आज बरेली मंडल के कमिश्नर रणवीर प्रसाद वार्षिक निरीक्षण करने शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले निर्माणाधीन सुभाष चंद्र चौक का निरीक्षण किया। इस चौक को अभी तक हथौड़ा चौराहे के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उन्होंने टाउन हॉल स्थित शहीद पार्क का निरीक्षण कर पार्क में चल रहे सौंदर्यीकरण के काम को देख संबंधित ठेकेदार को निर्देशित करते हुए सख्त लहजे में कहा कि गुणवत्ता में किसी तरीके का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पार्क का निरीक्षण करने के बाद कमिश्नर ने कलेक्टर परिसर का निरीक्षण किया। यहां पर सबसे पहले रिकॉर्ड रूम पहुंचे और कागजात के रखरखाव की जानकारी ली। कलेक्टर परिसर में बने नए वीसी हॉल का भी जायजा लिया। इस दौरान जिला प्रशासन में हड़कंप मचा रहा। निर्माणाधीन नेशनल हाईवे के कार्य में ढिलाई बरतने के सवाल पर कमिश्नर ने कहा कि जल्द ही कार्य पूरा कराने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही नेशनल हाईवे पर हो रही घटनाओं को लेकर संबंधित संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण है जो आयुक्त करते हैं, उसके तहत आना हुआ है। एक शहर का भी जिला मुख्यालय का भ्रमण किया गया जिलाधिकारी के साथ, और जिलाधिकारी ने सराहनीय कार्य किया है, अतिक्रमण हटाए हैं, सौंदर्यीकरण किया है, और जो शासन की मंशा है उसके अंतर्गत पार्कों का विकास, जन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त जो बेसिक कार्य होता है कलेक्ट्रेट में, भूलेख का सही ढंग से रखरखाव और जनता की शिकायतों का निस्तारण, इन सभी चीज़ों की समीक्षा की जाए। देखने में आया है कि ज़्यादातर जो अपराध हुए हैं वो राजस्व या भू जमीन से संबंधित हैं, तो इस पर किस तरीके से रोकथाम के लिए कदम उठाने की? जो भूमि संबंधी जितने भी, दो तरह के भूमि विवाद होते हैं, एक जो आबादी संबंधित होते हैं और एक जो कृषि के भूमि के संबंधित। जो कृषि के भूमि संबंधित जो विवाद है उसका राजस्व अधिकारी निस्तारण करने के लिए सक्षम होते हैं, परंतु आबादी संबंधी विवाद जो है वो सिविल न्यायालय में उसकी अधिकारिता होती है। तो जो कृषि भूमि संबंधित विवाद हैं उसको निस्तारण के लिए सही ढंग से भूलेखों का रखरखाव होना चाहिए और सही समय पर पैमाइश हो जाएगी, तो जो सही जिसका जिस भूमि का जो मालिक है उसी के कब्जे में भूमि होनी चाहिए। इसको देखा जाए, लेकिन दो चीज़ें हैं। आबादी वाले में जो इलेक्शन नहीं होता है तो उसके कारण समस्या आती है, लेकिन शेष चीज़ों में हम लोग, ये समीक्षा का उद्देश्य यही है कि ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की जाए और उसमें प्रभावी कार्रवाई की जाए। पूरे मंडल में ज़्यादातर मामले भूमिवाद के ही आते, क्या वजह मानते हैं कि आप ये क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे किए जा सकते हैं? काम उनका निस्तारण कर सकते हैं। आप मंडल में आप देखेंगे तो जैसे पीलीभीत जिला है वो सबसे आगे है IGRS शिकायतों के निस्तारण में, तो उसका कारण ये है कि हम लोगों ने इन शिकायतों का, जिसमें 90% भूमि विवाद होते हैं, उन पर काफ़ी जोर दिया है। काम नहीं किया सकता विवादों को, लेकिन उनका निस्तारण सही ढंग से किया सकता है, क्योंकि ये आपसी विवाद हैं, भूमि के बंटवारे के विवाद हैं, भाइयों के बीच विवाद हैं, ये तो विवाद जब होते हैं तो हमारा कार्य है कि उसका निस्तारण करना। दूसरा एक चीज़ और आई कि जो नेशनल हाईवे है ये निर्माण नहीं हो रहा, आपने भी पिछली मीटिंग में भी इस बात को कहा। ये हम लोगों ने निर्देश दिया है कि बैठकों में, और आज भी इसके बारे में कहा गया है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो जो संबंधित संस्था है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाए और उस पर कार्रवाई की जा रही है, और कड़े शब्दों में उनको बता दिया गया है कि ये कार्य जो है जल्दी शुरू करा के लोगों को राहत दें। टेंडर हो गया, काम शुरू।